आपकी बहुत ज्यादा पट्टी है। गाड़ी में कुछ हरामी बना हुआ है। माय गॉड फकिंग फकिंग। सॉरी ऐसे कोई सब्सक्राइब ही ना करे चैनल। सो हाय माय सेल्फ अली खान एंड वेलकम टू स्टड व्लॉगिंग। सो आज होने वाला हैशटैग व्लॉग 2। तो बिना मनाए चलते हैं। अरे हम सबसे पहले पहले जाएंगे। गाड़ी का कोई अंग बचा नहीं ना पुराना वाला इसमें। अबे यहां से एकदम नीचे से भी पकड़ो इनका। जाने दे यार। अरे वो आ रहे भाई, यही भाई पीछे। तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई ये बताओ। ये बोलू भाई के कुछ हो गया था, कोई उंगली कर दिया था पीछे से, इस मारे इन्होंने गाड़ी रुकवा दिया तुरंत। अब ठीक है बोलू? ओए ठीक हो? तो हुआ ये, यहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे तो इन लोग को लगा कि यहाँ पे चेकिंग लगी हो, कुछ लोग भाग गए पीछे ही से। अपने भाई लोग आ रहे हैं बहुत मर्दानगी दिखाते हुए, ये लोग सोचे कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ये चेकिंग लगाए हुए हैं, ये आ रहे हैं। हमें तो लगा घर वापस चले गए ये लोग, और अपने मोनिस भाई जो कि नाटे हैं बहुत ज्यादा, वो आगे चले गए। तो हर बार का ये जब हम लोग यहाँ पे आते तो सबको लगता है चेकिंग लगी हुई है। एक बार तो हम लोग वापस जा चुके थे लेकिन यहाँ पे मीटिंग बिठा लें। ये बोलू भाई अपना रेड चश्मा लगाए हैं और सोच रहे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बोलू मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कता तुम भाई बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं, बच्चा होने वाला है इनकी औरत को। कुछ इनके साथ होने वाला। तो अब हम लोग हो गए हैं अयोध्या के अंदर इंटर, और बस थोड़ी गाड़ी वाली दिक्कत रहती है, इसी मारे हम लोग रोज आते नहीं है, आज बड़े दिन बाद आए हैं। तो यहीं पे कर देते हैं हम अपनी गाड़ी पार्क। तो अभी हम आ चुके हैं अयोध्या में और यहाँ पे अब थोड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। अब यहाँ से कैमरे के यूज पड़ेगा। हम लोगों ने रास्ते पर इस मारे नहीं यूज करा क्योंकि बैटरी कम थी ना कैमरे में, तो इस मारे रास्ते के लिए मोबाइल का यूज करा और यहाँ पे हम कैमरा यूज करेंगे। और ये बोलू भाई पता नहीं इनकी कहाँ गाड़ फट रही है, जूतिया इंसान है, इतनी गाड़ फट रही है इनकी क्या बताया जाए। इन्हें शर्म लग रही है, कैमरा ले चल रहे हैं, इनको शर्म लग रही है और फोटो खिंचवाते इनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल। जूतिया इंसान, बकलंड, छाटू, बकचोद, पागल। तो अभी ये है मेन अयोध्या। तो ये हम आए हुए हैं अभी नए घाट में। तो ये खड़े हैं अपने सारे भाई लोग, देखो। इसी मारे इन बकचोदों के साथ मैं नहीं आता। ये अपने जैसू भाई बड़े मेहनती इंसान है, देख रहे हैं कैमरे का पूरा बैग यही लेके चल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ अयोध्या के नज़ारे। तो ये देखिए उमम भाई अपना 100% दिमाग का यूज करते हुए और इधर से निकलते हुए। ये
गया था पिकनिक स्पॉट। ये उमम भाई जिन्होंने अभी अभी अपने दिमाग का 100% यूज़ करा है, तो कैसा लग रहा है 100% यूज़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगा आपकी बकचोदी सुन के भी हमें। तो ये सारे बंदर को देख के इन सब की हालत डाउन हो के और सब भाग रहे हैं। कर दो उंगली, कर दो कुछ। ये चार बंदर होते सर, आठ बंदे, चार बंदर ने आठ बंदों की क्या बात है। ओ, ओ अंदर भी बैठे हैं वो, देखिए सारे। अच्छा हुआ इन्होंने उंगली नहीं करी। तो यहाँ पे जो सेल्फियाँ हैं सिर्फ भोलू भाई अपनी ले रहे हैं। मात्र की गाँव नहीं फटती मेरे बंदरों से, आपकी बहुत ज्यादा फटती है। ओ आपकी इतने नजाकत में आ गए, तुमसे आप हो गए बर्गर की तरह। नहीं भैया ये कह रहे हैं। ओ ये देखिए जैसू भाई को याद आ गई किसी को, मोहब्बत करते हो वो थोड़ी के बंद कर दो कॉपीराइट आ जाएगा। रोमी भाई अपना नए नए रिलेशनशिप में आए हैं तो एकदम परेशान है, क्या बताया जाए। रोमी भाई का कहना है कि चुप, और हमने भी कहा चुप। जैसू भाई अपने माल की याद में डूबे। बात करो वो देखिए मोनिस भाई अपना लौंडा लेके भाग गए हैं उधर, वो देखिए भाग रहे हैं। छोटा सा है लेकिन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं और गाड़ फट जाती है। एक बंदर हो तो ठीक है, यहाँ पे एक चिल्लाता है तो 20 आ जाते हैं। ये देखिए ये मेहनत कर रहे हैं। अच्छा रहने दिए उमम भाई, गाड़ फट गई। ये भोसड़ी के वहीं चले जाते स्लो मोशन में अपना लेके, ये देख रहे हो गाली भोसड़ी वाले की। सॉरी कोई सब्सक्राइब ही ना करे चैनल। ये उमम भाई ने मुंह नहीं धोया इसी मारे थोड़ा खराब लग रहे, वरना है अच्छे इंसान ये। सारे लोग पोज देके खड़े हुए। ये इनका कहना है उमम भाई बहुत सैड बैठे हैं, जैसू भाई सैड बैठे हैं, तीनों की माल में कुछ लोचा है। तुम भागती क्यों हो माल के नाम पे? हम इनकी दिक्कत ले रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है। हाँ इसीलिए मैं इन लोग की फोटो तो नहीं खींचता, एकदम परेशान हो जाते हैं ये लोग, एक फोटो के बहाने एकदम पहले रहते हैं। ये रोमी भाई एकदम मजा लेते हुए, रोमी भाई ये जसू भाई टी शर्ट चेंज करते हुए और दूसरी फोटो खिंचवाएंगे यहीं पे। तो यहाँ हो रही थी कुछ फोटो शूट और हमने अभी कर लिए फोटो शूट डन। ये देखिए ये लोग कुछ दिख गया इन लोग को, वो देखने जा रहे हैं कुछ का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। और ये कर रहे हैं उमम भाई हम स्लो मोशन की शूटिंग अपने भाइयों की। और ये भाई जो हैं पीछे हैं, ये बाहर से आए हुए हैं इस टाइम और इन्हीं को दिखाने के लिए खास करके हम लोग अयोध्या आए हुए हैं। तालिब भाई क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अयोध्या में? शर्मा गए भाई हमने, अब हम क्या बताएं? ए बेटा तो ये उमम भाई छोटा ब्लॉग करते हुए। मतलब ये देखिए कंजूसी देखिए, तीन लोग अपना जब हम लोग फोटो शूट कर रहे थे तो ये लोग यहाँ पे आके पेट डलने लग जाओ। ये लो यार ये और कहाँ है, ये क्या है? अबे ना
ठीक है, समोसा नहीं दोगे ना? नहीं देंगे। ठीक है, हम बहुत झाटू चीज लगाएंगे, वाली लगा देंगे हम, चार लोग कर लेंगे, यहाँ लेंगे, लो इज्जत से दे दो, बता दें उसमें टूटा तो हम देंगे नहीं, हम पूरी बता रहे, स्टोरी लगा देंगे मेंशन करके, उसको मेंशन कर देंगे तुम्हारी माल को। तो इन लोग जब बहुत ज़्यादा औकात से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे ही करना पड़ता है इन लोग के साथ, तब मिलता है, ब्लैकमेल करना पड़ता है, इसीलिए आप लोग भी वीडियो बना के रखे हैं ऐसे लोग की। तब इस कदर गरीबी, पहले तो समोसा खा ली, उसके बाद नोट सारी पटी निकली। ये मम्मा क्या कहा है आपने, बैठने नहीं ये कहीं नहीं तो मम्मा को पीने का मन है, बैठने नहीं भैया, हो जाए इंग्लिश में हो जाए भाई, क्या बोल दो मैं, बोल दो अच्छा, बोल दो बोल, आई माय गॉड फकिंग फकिंग। तो अभी जा रहे हैं हम आगे देखने कि आगे कोई चेकिंग लगी हुई है पुलिस वालों की कि नहीं, क्योंकि यार किसी के पास भी अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, और फिलहाल मेरी जो स्कूटी है वो फुल मॉडिफाइड है, तो उसके लिए तो फिर लंबा लोचा हो जाएगा अगर वो पकड़ जाएगी, तो देखते हैं अगर आगे जाने देते हैं तो ठीक है, यहीं से गाड़ी निकाल लेंगे, वरना फिर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मूड है हम लोग का हाईवे पे जाने का, तो देखते हैं अगर जा पाए तो मज़ा आ जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वापस जाएंगे जिधर से आए हैं। थैंक यू सर। तो अभी बात हुई हमारी, तो उनसे बोला कि आगे गाड़ी ले जा सकते, तो बोले हाँ ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी इन लोग को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, उन लोग को बुलाते हैं, फिर वो लोग लेके आते हैं गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न था कि गाड़ी ले जाने दें ना दें, अगर पकड़ ली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे गाड़ी, तो इसलिए आप फ़ोन करते हैं, उठा रहा हूँ। गाड़ी जो है वो हम लोग की उस पार खड़ी हुई है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है उससे 50 मीटर और आगे गाड़ी पे होगा ना, ठीक है बस स्टैंड सब है, एक नंबर के बकचोद इंसान, गाड़ी इधर से लानी थी पता नहीं किधर से लेके आ रहे हैं, दिक्कत यही है, हम लोग पहले ही बताया था कि हम लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ भी है नहीं, तो अभी हम लोग की अगर गाड़ी रुक गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हम लोग के साथ, और ये लोग बेवकूफ़ हैं, इधर पीछे से हम लोग ने बात करी हुई थी कि इधर से ले आओ, वो अंकल भी बोले पुलिस वाले कि हाँ ठीक है ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग किधर से लेके आ रहे गाड़ी। कैमरे की बैटरी भी अब डेट पे पड़ी हुई है, और जैसा देख रहे हैं आप लोग ये है अयोध्या की बाजार, और ये है हम अयोध्या के आउटसाइड पे आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं घाट से, तो ये है लखनऊ हाईवे, इधर चले जाएंगे, और ये है अयोध्या मेन, इधर से चले आएंगे तो डायरेक्ट अयोध्या मेन पे पहुंच जाएंगे, और ये पीछे है गोंडा रोड, और यहाँ से है एकदम सीधा रास्ता, और ये बहुत गंदा ही जगह है फोटोशूट के लिए, जैसू का इंतजार कर रहे हैं, जैसू आगे आ जाए तो आगे सफर किया जाए, ये आ रहे हैं जैसू भाई, अबे उमम को दे दो गाड़ी चला ले, उमम तुम मेरे साथ आ जाओ, जैसू भाई है ये अब मेरे साथ आ चुके हैं, क्योंकि इनकी ड्राइविंग बहुत स्लो है, राइडिंग बहुत स्लो है इनकी, गंदा ही जगह अयोध्या की, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कभी फोटो शूट नहीं करवाए, बकचोदी नहीं हमसे, चलो 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 चलो। ये गाड़ी एक्चुअली मेन चीज धुआं मच्छर मारने वाले होते नहीं ना उसमें यूज होती थी, तो मोनित भाई उठा के लिए आए हैं, मेरी तो ज्यादा 70-75 तक की गई थी, ये लोग साले बहुत ज्यादा स्पीड में लेके आए, बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे, तो देख रहे काफी ज्यादा इंजन हीट हो गया इसका, ये लोग कुछ कांड करे हैं लग रहा है, गाड़ी में कुछ हरामी बना हुआ है, जैसू भाई आधे रास्ते का है और आधे रास्ते से वापस आ चुके हैं, ना इधर गिरे है जैसू ना उधर गिरे है सनम, अभी हम घर पहुंचे हैं और हमें हो गया है काफ़ी लेट, तो घर वाले हैं काफ़ी गुस्सा, और तब तक हम घर की गाली खाते हैं, आप कर दिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के ख्याल रखें अपना और मराते रहें।